आखिर विशैली को जो करना था वो उसने कर ही दिया। बब्बल जी के शरीर में जहर नहीं घोल पाई, लेकिन घर वालों के मन में मेरे लिए इच्छा। भागू, सब सुन लिया मैंने। ऐसे नहीं होता इच्छा, तुम यहाँ इन लोगों के लिए अपनी जान देने के लिए तैयार हो और ये लोग तुम्हें गलत समझ रहे हैं। ऐसा नहीं है वाकू। ऐसा नहीं है तो कैसा ऐसा बोली? हाँ पिताजी, आप दोनों यहाँ। वाकू सही कह रहा है, अंधे हैं ये लोग, किसी की अच्छाई नहीं देख सकते। अरे देखना तो छोड़ो, ये महसूस तक नहीं कर सकते। पिताजी आप अच्छा, इनकी हिम्मत कैसे हुई तुम पर हाथ उठाने की? आज हाथ उठाया है, कल जान ले लेंगे, वो भी किसकी बातों में आकर, उस विशैली की जो इनका घर, इनका परिवार, इनका वजूद तक खत्म कर देना चाहती है। पिताजी, इसमें इन लोगों की कोई गलती नहीं है। इतना सब हो जाने के बाद भी तू इनके लिए बोल रही है? क्योंकि इस वक्त ये लोग नहीं समझ पा रहे। अगर समझ नहीं पा रहे हैं तो मैं समझाता हूँ, वो भी अपने तरीके से। इन्हें भी तो पता चले कि जब नाग अपनी जबान में बोलते हैं तो क्या भूचाल आता है। पिताजी आप ऐसा कुछ नहीं करेंगे, आपको आपकी सब होली की कसम है। इच्छा। पिताजी ये लोग बुरे नहीं है, शैली ने इन्हें गुमराह किया है, इनके दिमाग में मेरे खिलाफ गलत सलत बातें भर दी है। हाँ लेकिन उन्होंने उस पर विश्वास कैसे कर लिया? आज आपकी सपोली पर हल्का सा हाथ उठा तो आपको इतना बुरा लगा। उनके बेटे की तो जान जाने वाली थी, सोचो उनका क्या हाल हुआ होगा। ऐसे में कहाँ सुध रहती है क्या सही क्या गलत सोचने की। पिताजी हमें इन्हें माफ कर देना चाहिए, कि सपोली यहाँ पर प्यार बांटने आई है, दुश्मन बनाने के लिए नहीं। और हमारा एक गलत कदम विशैली को सही साबित कर देगा, जो मैं बिल्कुल नहीं चाहती। तेरी सारी बातें सही है मेरी सपोली, लेकिन तू ये सब कैसे। हाँ। आप कहती है ना, अच्छाई लोहे को सोना बनाने की ताकत रखती है। मुझे बस खुद को सबके सामने साबित करना है और मुझे यकीन है मैं ये जल्दी कर लूंगी। और जिस दिन मैंने अपनी बेगुनाही साबित कर दी, वो इस घर में विशैली का आखिरी दिन होगा। आप अपनी सपोली पर भरोसा रखिए, ये टूट सकती है लेकिन हार नहीं सकती। जाकर थोड़ा दर्द कम हुआ माँ। तुम खुश हो ना? बहुत। तुमने जो कहा जैसा कहा मैंने वैसा ही किया। शाबाश, और आगे भी तुम्हें यही करना होगा। जितनी मेरी सुनोगे उतनी मेरे पास रहोगे। जो भी हो इच्छा जीतनी नहीं चाहिए। तुम जानते हो ना मैं तुमसे प्यार करती हूँ, और वो भी सच्चा वाला। तुम्हें मेरे पास रहना होगा, रहोगे ना? इस बार तो तुमने बबुल को पूरा नाग बनाने से बचा लिया अच्छा, लेकिन 15 दिन के बाद मोनम की रात फिर आएगी। एक बार फिर होगा बबुल का नाग आदमी गया, और फिर तुम भी मुझे नहीं रोक पाओगे। दादी चाय। दादी आप मेरे हाथ की चाय भी। अरे हाथ का तो पानी भी पीना हराम है। मेरी बात समझने की कोशिश कीजिए, आप जो देख रही है समझ रही है ये सच नहीं है। एक बहुत बड़ा षड्यंत्र खेला जा रहा है इस घर के साथ, यहाँ के लोगों के साथ। सो तो आप देख ही चुके हैं,
दादी मैं अपनी नहीं अमृता की बात कर रही हूँ, वो आप सबको। इच्छा, तूने फिर अमृता का नाम लिया? देख छोरी, आज तक तूने जितने भी इल्जाम उस पर लगाए एक भी साबित करके ना दिखाया, और उसने थारे बारे में जो कुछ भी बोला सब साबित करके दिया। शैतान का दिमाग है दादी, हम उसे कैसे। सीधे मुंह की बात थारे समझ में ना आती ना। सुन छोरे, मैं अमृता के खिलाफ एक शब्द नहीं सुनूंगी। और हाँ, एक बात और, इस बार अमृता ने थारे पर इल्जाम ना लगाया, बब्बल ने तुझे गुनहगार कहा। और मुझे पूरा यकीन है कि मारा बब्बल झूठ नहीं बोलता। अब जा यहाँ से, मारा दिमाग मत खराब कर। अप्पू, अप्पू तू समझाना दादी को, इन्हें लगता है मैं गलत हूँ, मैं बब्बल जी को नुकसान पहुंचा रही हूँ। तू तो सब जानता है ना अप्पू, बोलना दादी को मैं कैसे बब्बल जी को। हाँ इच्छा, मैं सब जानता हूँ, और सब जानते हुए भी मैंने तुम पे विश्वास किया। बहुत बड़ी गलती होगी मुझसे। अप्पू तू भी। मैं नहीं जानता इच्छा तुमने ऐसा क्यों किया, बट आई एम हर्ट, बहुत हर्ट किया तुमने मुझे। खैर जो हो जैसी हो, तुमने बिल्कुल वैसा ही बर्ताव किया है। गलती तो मेरी है, तुमसे अच्छाई की उम्मीद की। प्लीज रुकिए ना। क्या देख रही? प्यार ढूंढ रही हूँ। प्यार? जी वही प्यार जो मैंने हमेशा आपकी आंखों में देखा है, अपने लिए। बबल जी, मैं आपसे ये तो नहीं कह सकती कि आप मेरा विश्वास कीजिए, लेकिन आप अपने दिल का विश्वास तो कर सकते हैं ना। दिमाग का फैसला गलत हो सकता है लेकिन दिल का नहीं। क्या आपका दिल भी यही कहता है कि मैं गलत हूं? बब्बल जी, अपना हाथ दिल पर रखिए और पूछिए उसे, क्या मेरी इच्छा मुझे इतना दुख दे सकती है? कुछ बोलने की जरूरत नहीं है, मुझे जवाब पता है। मैं जानती हूँ आप झूठ क्यों बोल रहे हैं। बोलने वाली जुबान आपकी थी लेकिन शब्द अमृता के थे, इसलिए मुझे आपसे कोई शिकायत नहीं है। आप मुझ पर ऐसे सैकड़ों इल्जाम लगा लीजिए, मैं बर्दाश्त कर लूंगी, लेकिन आपके झूठ से आपको तकलीफ होगी, आपका ये परिवार खतरे में आ जाएगा। आपकी आंखों पर जानबूझकर पर्दा डाला है, जो कभी हुआ ही नहीं वो आपको दिखाया जा रहा है। बबल जी, आपको इस आभास से बाहर आना पड़ेगा, और इसमें मैं आपकी मदद करूंगी, क्योंकि मैं। आज तक मैंने आपसे कभी नहीं कहा, लेकिन आज मैं आपसे कह रही हूँ। आपसे बहुत प्यार करती हूँ। आपको क्या हो गया है बब्बल जी, आप मेरी बात क्यों नहीं सुन रहे? मैं बेकसूर हूं बब्बल जी, मैं आपको कैसे यकीन दिलाऊं?
किसी और को यकीन हो या ना हो, लेकिन मुझे यकीन है कि तुम बेकसूर हो और इस लड़ाई में मैं तुम्हारे साथ हूं। अच्छा, ये सब इतना आसान नहीं है। घर में कोई कुछ सुनना समझना ही नहीं चाहता। अब्बू तक तुझे गलत समझ रहा है। तू कैसे मनाएगी इन सबको? तेरे पास ना कोई सबूत है ना कोई गवाह। छुआ कर कहे कि इच्छा गलत नहीं है। अरे गलत तो वो है जिसे आप सब सही समझ रहे। धोखा वो सबको दे रही है, मैं नहीं। क्या करूं, कैसे ठीक करूं सब कुछ? लड़कर देख इच्छा, तू लड़ेगी भी और जीतेगी भी। इस लड़ाई में हम दोनों तेरे साथ हैं। प्रबल भैया। अरे हाँ, मैंने पता है, इसमें तेरी कोई गलती ना है। एकदम खरा सोना है तू। लेकिन जब घर में किसी को मुझ पर भरोसा ही नहीं है। अरे पागल हो गए सबके सब। अच्छे और बुरे में फर्क ही ना कर पा रहे हैं। देख, इस घर में मैं और सबल अव्वल नंबर के बेवकूफ हैं। लेकिन आज जो ये बेवकूफ देख पा रहे हैं ना, इस घर में कोई ना देख पा रहा। लेकिन भैया। अरे तुझे आम खाने से मतलब है या पेड़ गिनने से? अरे भैया, आम का सीजन आने में अभी बहुत टाइम है, और पेड़ गिनने से इसकी मुश्किलें कैसे कम हो जाएंगी? अरे कहावत है छोटे, कहावत बोली पे मत जा, फीलिंग पे जा। और फीलिंग ये कह रही है कि इच्छा को अपनी पूरी ताकत के साथ लड़ना है। हाँ, खुद को सही और गलत को गलत साबित करना है। छोरी, इन सब की नजर तो कमजोर हो चुकी है, तुझे इन्हें वो दिखाना है जो ये देख ना पा रहे हैं। अरे भाई, इच्छा की चश्मों की दुकान है। इच्छा, तूने बताया नहीं मुझे आज तक। छोटे, यही बोलोगे ना कि बोली पे मत जा, फीलिंग पे जा। हाँ, तो छोरी क्या सोचा तूने? प्रबल भैया, सबसे पहले तो आप दोनों को थैंक यू। जब कोई मेरे साथ नहीं है तो आप दोनों मेरे साथ हो। और हाँ, आपने मुझे एक नई उम्मीद दी है, नया हौसला दिया है और विश्वास दिया है कि मैं जीत सकती हूँ। हाँ, जीतेगी तो तू पक्का, क्योंकि सच्चाई की जीत भले ही अंत में होवे, लेकिन होवे जरूर है। हाँ, और भाई ने बोल दिया तो बोल दिया। चलो भाई। हाँ चलो। अमृता, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? वो काफी देर हो गई है, तुमने मुझे बुलाया नहीं, इसलिए मैं खुद चला आया। मुझे बताओ ना, मुझे आगे क्या करना होगा? तुम इस वक्त अपने कमरे में जाओ, वक्त आने पर मैं तुम्हें सब बता दूंगी। कब? वक्त कब आएगा? तुम मुझसे आज इतने सवाल क्यों पूछ रहे हो? वो अमृता, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा, आगे क्या करना है, कहाँ जाना है, कुछ नहीं। तुम इस वक्त अपने कमरे में जाओ, मैं तुम्हें सब बता दूंगी। हाँ, लेकिन क्या तुम मुझसे कराना क्या चाहती हो अमृता? तुम जानते हो ना बबल, कि मैं तुमसे कितना प्यार करती हूँ, तुमसे शादी करना चाहती हूँ। और हमारी शादी तब तक मुमकिन नहीं है जब तक तुम मेरे जैसे ना बन जाओ। तुम्हारे जैसे मतलब? तुम भी इंसान हो, मैं भी इंसान हूँ। नहीं, मैं इंसान नहीं, एक नागिन। और तुम्हें मेरी जिंदगी में शामिल होने के लिए इंसान से नाग बनना होगा। कल पूनम की रात को मैं तुम्हें नाग बना देती, लेकिन मेरी योजना कामयाब नहीं हुई। कोई बात नहीं, लेकिन आने वाली पूनम की रात को मैं तुम्हें नाग बनाऊंगी। तब शुरू होगी हमारी जिंदगी। और एक बार हम पति पत्नी के रिश्ते में जुड़ गए, तब इस घर का एक एक रिश्ता टूटता जाएगा। अमृता, जी बबल जी, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? कुछ जरूरी बात करनी है। आप नीचे जाइए ना, मैं थोड़ी देर में आती हूँ। ठीक।
आदतों से बाज नहीं आओगी ना इच्छा। तुम भी तो नहीं सुधरती ना अमृता, इसलिए करना पड़ता है मुझे ये सब। क्या हासिल कर लोगी ये सब करके? और कुछ नहीं, तो कम से कम ये तो पता चला कि चल क्या रहा है तुम्हारे दिमाग में, इरादे क्या है तुम्हारे। ओ, मतलब कि तुम आने वाली पूनम की रात को रोकने वाली हो, क्योंकि तुम मुझे तो रोक नहीं सकती। मैं बबल को नाग बना कर ही रहूंगी। अच्छा, अब ऐसा शायद तुमने दो दिन पहले भी कहा था ना, फिर क्या हुआ? कुछ भी नहीं, बबल जी अभी भी सही सलामत हैं। वो तो बबल की किस्मत अच्छी थी। किस्मत नहीं, नियत अच्छी थी। जिनकी नियत अच्छी होती है ना, दीदी का लेखा भी उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। फिर तुम तो मामूली नागिन हो। इच्छा, अमृता, जो कल हुआ वही आने वाली पूनम की रात को भी होगा। तुम जितने वार करोगी, मैं उतनी बार बब्बल जी की ढाल बनकर तुम दोनों के बीच में खड़ी रहूंगी। अप्पू, अच्छा प्लीज। अप्पू, मैं भी तो यही कह रही हूँ ना, प्लीज एक बार मेरी बात सुन, मेरी बात को समझ। कुछ सुनना समझना नहीं है मुझे। अरे वाह, ऐसे कैसे नहीं सुनना, सुनना पड़ेगा अप्पू। अब हटो मेरे रास्ते से। तो दोस्तों के रास्ते अलग नहीं होते अप्पू। देख मुझे, देख तेरी इच्छा को, क्या वो कभी इतना बड़ा गलत काम कर सकती है? अप्पू, मैंने बब्बल जी को अपनी आधी जान दी है, ऐसा क्यों करूंगी उनके साथ? उनके साथ खिलवाड़ करना मतलब अपने आप के साथ खिलवाड़ करना। मैं इस घर में सिर्फ तुझसे ये सब बातें कर सकती हूँ, प्लीज मुझे समझ। मैंने इसे कुछ भी नहीं किया है, मेरा विश्वास कर। ये सब एक साजिश है उस विशैली की, वो मुझे फंसाना चाह रही है। ओ प्लीज, प्लीज अप्पू। आई एम सॉरी इच्छा, लेकिन भरोसा एक बार टूट जाए जोड़े से नहीं जुड़ता। कुछ दिन और अप्पू, और फिर मुझे यकीन है मैं सिर्फ तेरा ही नहीं, इस पूरे परिवार का भरोसा फिर से जीत लूंगी। पिताजी, बुट्टे। झुट्टे? अरे कैसी बात कर रही है ममता, ये तेरे ससुर जी हैं, इन्हें झुट्टा बोल रही है। एक मिनट पिताजी, रुको रुको। अरे भाई, क्या हो गया आपको? भाभी झुट्टे ना बोल रही, भाभी कह रही भुट्टे भुट्टे। लो आप भी खा लो। अच्छा हाँ हाँ, क्यों ना खाएंगे, जब सब खाएंगे तो हम भी खाएंगे। अरे इच्छा भी आ गई, इच्छा ले भुट्टा खा। अरे दादी, ऐसे गुस्से से क्या देख रही है? वैसे भुट्टा इतना जला हुआ है, और जल के राख हो जाएगा। मैं जा रही हूँ दादी जी, इस घर को छोड़कर जाने का मन तो नहीं है, लेकिन अब जब आप लोग मुझे अपना मानने को तैयार ही नहीं है तो इस घर में रहने का क्या फायदा? तो तू मानती है ना? नहीं दादी, मैं इसलिए नहीं जा रही क्योंकि मैं गलत हूँ, इसलिए जा रही हूँ क्योंकि मैं मजबूर हूँ। मेरी बेगुनाही का कोई सबूत नहीं है मेरे पास, और मैं जानती हूँ जब तक मैं अपनी बेगुनाही साबित नहीं कर देती, आप मेरी किसी भी बात का भरोसा नहीं करेंगी। आज अनजाने में ही सही, लेकिन मैंने आप सबका भरोसा तोड़ा है। मुझे कोई हक नहीं है इस घर पर रहने का, मैं ये घर छोड़कर जा रही हूँ दादी। आज तक आप लोगों ने मुझे बहुत कुछ दिया है, प्यार, इज्जत, अपनापन। बस एक विनती है आप सबसे, मेरे यहाँ से जाने के बाद आप बस अच्छी यादें रखिएगा, अपने मन में मेरे लिए कोई कड़वाहट या नफरत मत रखिएगा। अरे नाना छोरी, बिल्कुल ना रखेंगे, और तू भी अपने मन में बिल्कुल कड़वाहट मत रखना, और यहां से जाते जाते अच्छी अच्छी यादें लेके जाना,
रे भाई, घर में इतना सब कुछ बुरा हुआ है, ये कहां से अच्छी यादें लेके जाएगी बेचारी। अरे बड़ा आसान है, बुरी यादें मिटाएंगे, अच्छी यादें बनाएंगे। कैसे कैसे? अरे बबल की शादी करा के। अरे देखो, इच्छा अभी 3-4 दिन घर में है, तो 3-4 दिन में बबल और अमृता की शादी करा देते हैं। खुशियां की खुशियां बनेंगी और यादों की यादें बनेंगी। बब्बर की शादी का आइडिया तो घना अच्छा है। अम्मा जी, आप ये बताइए कि आपको शादी का आइडिया कैसा लगा? मने तो शादी का आइडिया घना अच्छा लगा है। लो अमृता, अब करके दिखाओ बब्बर जी से शादी 4 दिन के अंदर।